करना था, इसके बारे में आप थोड़ा अपना विचार प्रकट करो साहिब जी। अब जैसे कि बड़े बड़े संत महात्मा जो कि परमात्मा के नज़दीक हैं, वो इतने अच्छे अपने प्रवचन करते हैं जिससे हमें असल का पता लग जाता है और हम भाव विभोर होकर उसे ही अपना इष्ट समझने लग जाते हैं और नमस्कार के करे बगैर नहीं रह सकते, उनका आदर करे बगैर नहीं रह सकते। लेकिन असल में तो शब्द गुरु ही सर्वशक्तिमान, सबका मुक्तिदाता और सबकी संभाल कर। सेवा को दो ही भले, एक संत एक राम, और राम है दाता मुक्ति का, संत जपावे नाम। ये दोनों ही कड़ियाँ ऐसी हैं जिसको हम बाईपास नहीं कर सकते, ना हम एक को बाईपास कर सकते हैं ना हम दूसरे को। राम तभी मिलता है जब आपके जीवन में संत आता है। ऐसा नहीं है कि राम आपके जीवन में नहीं है, राम तो अंग संग है, लेकिन फिर भी वो कभी किसी की मदद नहीं करता मुक्त होने में जब तक संत मोहर ना लगा दे। बच्चे तो सभी पढ़ सकते हैं, बुद्धि है विवेक है, लेकिन नौकरी केवल उनको मिलती है जो किसी डिग्री कॉलेज में या किसी स्कूल में सर्टिफिकेट। स्कूल में सर्टिफिकेट लेके पास हुए हों, यानी गुरुमुख हों, तब अच्छी कंपनी में उनको नौकरी मिलती है, ऊंचे ओहदे तक वो पहुंच पाते हैं। तो जब एक दुनियावी नौकरी बिना गुरु के नहीं मिल पा रही, तो परमात्मा कैसे बिना गुरु के मिलेगा? और गुरु को शरीर मत समझो कि गुरु कोई शरीर है। जब तुम अपने आप को आत्मा समझने की कोशिश कर रहे हो सत्संग सुन के, तो गुरु क्या शरीर हो सकता है ये मान के बैठोगे? आज जितने भी ज्ञानी बने पड़े हैं हमारा सत्संग सुन के, हमारे ही चेले जो गालियां दे रहे हैं हमें, वो खुद को तो कहते हैं हम शरीर नहीं हैं और मुझे शरीर मानते हैं जिसने उन्हें समझाया कि तुम शरीर नहीं हो, उसको कहते हैं तू शरीर है तो ये हाल है आजकल ज्ञानी पुरुषों का। इसलिए बहुत मुश्किल है गुरु को समझना। और वाणी क्या कह रही है, लखा जो चाहे अलख को तो संतन में लख ले। संतन में लख ले यानी संत में ही परमात्मा छुपा है, वही तो तुम्हें ज्ञान दे रहा है। अगर संत ना हो जगत में तो जल मरता संसार। तो संतों की महिमा भाई कोई नहीं लिख सकता, संतों को परमात्मा ही भेजते हैं जीवों का कल्याण करने के लिए। और जो संत किसी पे मोहर लगा दे तो उसको काल रोक नहीं सकता। एक बार जिस कलम से शिष्य का नाम लिख दिया जाए तो उसको मुक्त होने से कोई रोक नहीं सकता। हाँ, मर्यादा में रहे। मर्यादा भंग करेगा, लक्ष्मण रेखा पार करेगा तो रावण उठा के ले जाएगा। इसी प्रकार जब तक शिष्य मर्यादा में है तब तक उसका बाल बांका नहीं हो सकता। और परमात्मा याद रखो, वो गुरु के पीछे खड़ा है लेकिन दिखाई नहीं देता, गुरु के साथ खड़ा है वो। ये ना सोचे कोई कि गुरु अलग है और परमात्मा अलग है। परमात्मा
आज तक सबके साथ है, लेकिन किसी को मुक्ति नहीं दी उसने। सब गर्भ में आ रहे हैं, सब बाहर निकल रहे हैं, सब धोखे खा रहे हैं, सब जन्म मरण में पड़े हैं, जबकि परमात्मा अंग संग है, फिर भी मदद नहीं करता किसी की वो। अब कोई कहे कि ये कैसा परमात्मा है जो मदद ही नहीं करता, ये उसका कानून है कि सेवा को दो ही भले, एक संत एक राम। जो मेरा संत होगा, जो मेरा ज्ञान दे रहा होगा, अगर तुम उसकी बात नहीं मानोगे, सेवा का मतलब पैर दबाना नहीं होता, सेवा का मतलब होता है मर्यादा में रहना। अगर उसकी सेवा यानी उसकी कही हुई बात की मर्यादा में कोई नहीं रहता है, तो वो पथ भ्रष्ट हो जाता है, उसको पंथ से बाहर किया जाता है। कबीर साहब ने धर्मदास के लड़के को बाहर किया, यहां तक कि अपना लड़का जो कमाल कहलाया वो भी मर्यादा भंग करके बैठ गया, उसको भी बाहर निकाला गया। तो संत जीवों के कल्याण के लिए मर्यादा भंग करने वालों को बाहर भी निकालते हैं। जैसे मैंने अभी व्हाट्सएप ग्रुप में किसी को निकाला है ना, वो मर्यादा भंग करके बैठा है और लोगों के सामने ज्ञानी बन रहा है। इन लोगों का कुछ नहीं हो सकता। सतनाम। याद रखना इस बात को, जो मर्यादा भंग करेगा वो मेरा शिष्य नहीं है, और जो मेरा शिष्य नहीं है उसका कल्याण मेरा ज्ञान तो नहीं करेगा। जो ज्ञान मैंने सुनाया है वो केवल उन लोगों के लिए है, उन लोगों का कल्याण करेगा जो मर्यादा में रहना जानते हैं, आवारा सांड की तरह नहीं, मर्यादा भंग करके निकल गए सड़कों पे। सतनाम।